सुपर साइक्लोन अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहर बरपाते हुए दर्जन भर लोगों की जिंदगी को छीन लिया, तो वहीं तूफान के साथ हुई तेज बारिश ने कोलकाता के एयरपोर्ट को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया और तेज हवाओं के चलते पूरे शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। महातूफान अम्फान की ताकत और उसके जोर के आगे हर चीज बेबस नजर आई। तस्वीरें जरा गौर से देखिए जो एहसास करवा रही हैं इस बात का कि महातूफान अम्फान की रफ्तार के आगे हर चीज बौनी साबित हो रही थी। इस स्कूल की छत को अम्फान ने एक झटके में कैसे इमारत से अलग करते हुए उसे किसी ताश के पत्ते की तरह हवा में उड़ा दिया। अम्फान ने सबसे ज्यादा कहर बंगाल और ओडिशा में बरपाया। अम्फान जिस वक्त पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर गया, उसके बाद से ये तबाही की शक्ल अख्तियार करता चला गया। हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। जिस कारण भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते कहीं मकान ढह गए, तो कहीं वो पेड़ जिन्हें अपने भारी भरकम अस्तित्व पर नाज था, अम्फान ने उन्हें एक ही झटके में जमीन से उखाड़ दिया और गिरने के बाद पेड़ भी तबाही का सबब बनते चले गए। उत्तर दक्षिण परगना में अम्फान ने अपना विराट रूप दिखाते हुए उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कोलकाता के बीच अम्फान की ताकत के आगे हर कोई ढहता चला गया। क्या पेड़, क्या बिजली के खंभे, सब कुछ धाराशाही होते हुए अम्फान के बेकाबू होने की गवाही दे रहे थे। तेज हवाओं के चलते जो भी उसकी चपेट में आया, उसका क्या हाल हुआ, ये बताने के लिए तस्वीरें ही काफी हैं। वहीं अम्फान के चलते यहाँ कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकलन करने में ही सरकार को 3 से 4 दिन का वक्त अभी लग सकता है, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। अम्फान ने कोलकाता के एयरपोर्ट को भी पूरी तरह से जलमग्न करके रख दिया। अम्फान के जोर और तेज हवाओं की ताकत के चलते भारी भरकम जहाज भी खड़े खड़े थरथराने लगे। तेज हवाओं और बारिश के चलते बड़े बड़े पेड़ गिरने के कारण रास्ते भी पूरी तरह से बंद हो गए, जिन्हें दुरुस्त करने की कवायद करते हुए एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें अपना काम करते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई हैं। अभी आप लोग देख ही रहे हैं जो हम लोग इधर ऑलरेडी 3 पेड़ इधर से काट के आ रहा है, रास्ता क्लियर कर रहा है सेंट्रल एवेन्यू। अभी मेरा बेसिक माने मकसद ये है जो एक तरफ से रास्ता क्लियर कर दे, तो बड़ा बड़ा पेड़ पड़ा हुआ है, 3 काट दिया है 4 काटेगा, ऐसे काटते करते हम लोग पूरा सेंट्रल एवेन्यू कवर करेगा, यही हमारा अभी का टारगेट है। तो लगेगा ही, तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं कितना पेड़ पड़ गया है इधर, तो अभी छोटा छोटा करके टारगेट करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा अभी का टारगेट है सेंट्रल एवेन्यू का क्लियर करना, तो वही काम पे हम लोग लगा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने राहत का काम करते हुए पश्चिम बंगाल से 5 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, तो वहीं ओडिशा में काम करते हुए उसकी ओर से 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। राहत एवं बचाव के काम को अंजाम देने के लिए एनडीआरएफ की ओर से ओडिशा में 20 टीमों को तैनात किया गया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी इतनी ही टीमें राहत एवं बचाव के कार्य को अंजाम देने में लगी हुई हैं। कोरोना के कहर के बीच अम्फान की ये दस्तक एनडीआरएफ टीमों के लिए मुसीबत बनी हुई है, लेकिन एनडीआरएफ के मुताबिक वे हर एहतियात बरतते हुए अपना काम जारी रखे हुए हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन लोगों को आगाह करते हुए उन्हें घरों से ना निकलने की हिदायत दे रहा है, तो वहीं लोगों के मुताबिक तूफान के चलते इतनी बड़ी तबाही का मंजर उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। वहीं राज्य सरकार के मुताबिक अम्फान से हुए नुकसान का आंकलन करने में उसे 3 से 4 दिनों का वक्त अभी लग सकता है।